इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर ESMS टाइप करें। टाइप करने के बाद आपको ऐप दिखाई देगा। इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करें। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करें। ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद ऐप के द्वारा चाही गई परमिशंस को अलाउ करें। अलाउ करने के बाद आपको ऐप की होम स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहां पर आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर पर डालकर सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट CO ऑफिस या DO ऑफिस पर संपर्क कर अपने नंबर को ऑनबोर्ड कराना होगा। ऑनबोर्ड कराने के बाद आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। OTP प्राप्त होने पर आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर आपके द्वारा इंटरसेप्ट किए गए केस, लीकर और ड्रग का एक चार्ट दिखाई देगा। अब यदि आप नई कार्रवाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहे प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। अब आपको एक नया पेज दिखाई देगा। इस पेज के ऊपर आपको इलेक्शन टाइप का चयन करना है, इलेक्शन का चयन करना है। उसके बाद जिस व्यक्ति से आपने केस आइटम सीज किए हैं उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। डेट ऑफ इंटरसेप्शन आपको यहाँ पर डालना है। इंटरसेप्ट आइटम की जानकारी डालने के लिए एड प्लस बटन पर आपको क्लिक करना है। तो एक पॉपअप विंडो खुलेगी। उस पॉपअप विंडो के अंदर एड इंटरसेप्ट आइटम की जानकारी दर्ज करनी है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट इंटरसेप्ट आइटम का चयन आपको करना है। यहाँ पर क्वांटिटी अमाउंट डालकर आपको यहाँ पर एड बटन पर क्लिक करना है। यदि आपके द्वारा मल्टीपल आइटम सीज किए जा रहे हैं तो एड मोर ऑप्शन पर क्लिक कर मल्टीपल आइटम्स की जानकारी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको यहां पर यदि आपके द्वारा FIR रजिस्टर्ड की जाती है तो यश और नो का चयन करना है। उसके बाद समरी ऑफ सीजर पर क्लिक कर उससे संबंधित जो भी जानकारी है आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। आपके द्वारा इंटरसेप्ट किए गए आइटम की जानकारी का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। उसे एक बार देखकर चेक करने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट किया हुआ रिकॉर्ड आपके द्वारा की गई कार्रवाई की लिस्ट में दिखाई देगा। यदि आपके द्वारा की गई कार्रवाई में किसी तरीके का बदलाव करना चाहते हैं तो सेम डे में उस कार्रवाई के ऊपर एडिट बटन एक्टिव रहेगा। यदि आपके द्वारा की गई कार्रवाई के ऊपर यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, जैसे सीज नहीं किया गया है, तो आप उसको सेम डे में एडिट कर सकते हैं। एक दिन के बाद एडिट बटन डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसमें किसी भी तरह का बदलाव आपके द्वारा नहीं किया जा सकेगा। यदि आपको उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना है तो उसके लिए आपको CO ऑफिस में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। सीजर ऐप फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट नोडल। अपने मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक कर OTP वेरीफाई करने पर आपको होम पेज दिखाई देगा। डैशबोर्ड के ऊपर इंटरसेप्ट एंड सीज किए हुए डेटा बार ग्राफ और पाई चार्ट के रूप में दिखाई देगा। डैशबोर्ड में नीचे रेड कलर में एक मैसेज दिखाई देता है जो प्रदर्शित करता है कि इंटरसेप्ट किया हुआ डेटा अभी सीज करने के लिए बाकी है। इंटरसेप्शन बटन यहां प्रदर्शित करती है कि राज्य की विभिन्न इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा कितना डेटा इंटरसेप्ट किया गया है और विभिन्न एजेंसियों द्वारा कितना डेटा सीज किया गया है। यदि आपको किसी इंटरसेप्ट आइटम को सीज करना है तो सीज बटन पर क्लिक करना होगा तो उस इंटरसेप्ट आइटम की डिटेल आपको खुल जाएगी। डिटेल को पूरी तरीके से चेक एंड वेरीफाई करने के बाद सीज ऑप्शन पर क्लिक करना है। सीज ऑप्शन पर क्लिक कर सीज को कंफर्म करना है। आचार संहिता के दौरान बैंकों के द्वारा यदि केस का मूवमेंट किया जाता है तो DLBC द्वारा बैंक को रजिस्टर्ड करके बैंक के द्वारा यदि केस मूव किया जा रहा है तो एक QR कोड जनरेट किया जाएगा। उस QR कोड को ऐप के माध्यम से स्कैन करने पर उसकी एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें उस व्हीकल का नंबर डालने पर उस केस ट्रांसफर रिक्वेस्ट से संबंधित डिटेल आपको दिखाई देगी, जैसे रिक्वेस्ट ID, व्हीकल ID, वैलिडिटी डेट, नेम ऑफ द ड्राइवर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्राइवर, कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर एंड टोटल अमाउंट, वैल्यू एंड सोर्स लोकेशन। चेक एंड वेरीफाई ऑल रिकॉर्ड।
धन्यवाद।